स्वागत तो है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर के कवायद लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एआईसीसी को सूची सौंप दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की यह सूची सौंपी गई है। इस सप्ताह एआईसीसी की ओर से यह सूची जारी कर दी जाएगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सभी सूचियां भेज दी गई हैं। 85 सचिवों की सूची में कुछ और नाम बढ़ सकते हैं। अगले 3 से 4 दिनों में एआईसीसी की ओर से नियुक्तियों का ऐलान होगा। जुलाई के तीसरे सप्ताह तक सभी बूथ मंडल ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। 11,000 ग्राम पंचायत अध्यक्ष समेत 55,000 पदाधिकारियों का सम्मेलन करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इस सम्मेलन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। संगठन विस्तार को लेकर कवायद लगातार जारी, दिल्ली में बैठकों का दौर। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो सूचियां हैं वो 1-2 दिन में जारी हो जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार था और जिला कांग्रेस कमेटियों का विस्तार था, वो बहुप्रतीक्षित था। काफी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से हम वो नहीं कर पाए। पहले संगठन का चुनाव आ गया बट और कई कारण रहे। अभी हमने जो है वो सारी कवायद की है और कल हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के साथ में हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे तीनों सह प्रभारी अमृता धवन जी और वीरेंद्र राठौड़ जी और काजी निजामुद्दीन जी और हम सब ने चर्चा की है। और जो जिले के अध्यक्ष, जो हमारे 13 जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, उसके बाद में जो 40 में से बाकी थे उनके ऊपर चर्चा की है हमने। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पहले से ढांचा 39 का बना हुआ था, उसके बाद में और किन लोगों को जोड़ना है तो उसके बारे में हमने चर्चा की है। और इसके संबंध में पहले हमने पीसीसी सेक्रेटरीज की एक लिस्ट रंधावा साहब और हमने निकाली थी बट उसको होल्ड किया गया था एआईसीसी के द्वारा कि हम सब साथ निकालेंगे और अप्रूवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, उसके बाद में ही वो जारी होगी। तो उस संबंध में हमने सब चीजें चर्चा की है, 1-to-1 सारी बातें की। और संगठन में हमने कितना काम किया है वो हमने अपना पक्ष वहां पर रखा कि हमने किस प्रकार से पीसीसी एआईसीसी मेंबर, फिर कोप्टेड मेंबर, उसके बाद में हमने जो आपका जो नीचे का ढांचा मंडल बनाए, 2200 मंडल के लगभग है, उसमें से 1900 के लगभग हमने मंडल बना दिए। बाकी हमने कहा भाई 6-7 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे, 2200 मंडल बना देंगे। पहली बार राजस्थान में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में ये कांग्रेस पार्टी में हुआ है। जो रायपुर का हमारा अधिवेशन था उससे ये हुआ था कि मंडल कांग्रेस बनानी है सबसे पहले, अगर हम हो तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं है कि हमने सबसे पहले मंडल बनाए हैं और 31-31 के हिसाब से मंडल की कार्यकारिणी हमने बनाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी लखवीर सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है? लगातार कांग्रेस के भीतर बैठकों का दौर राजस्थान में को लेकर के चला है। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत फिलहाल आ रही थी सरकार रिपीट करने में वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी के पास पिछले लगभग 3.5 साल से अधिक के समय से संगठन नहीं था। ऐसे में संगठन को विस्तार देने की कवायद लगातार हो रही है। पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन बैठकें हो रही है। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। कल केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, उनसे मंत्रणा हुई कि संगठन में कैसे रफ्तार दी जाए राजस्थान में, जो क्योंकि प्रदेश सचिवों का ऐलान होना है, प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होना है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों का ऐलान पहले कर चुकी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की मजबूत करते हुए चुनाव में सियासी वैतरणी पार करना चाहती है, सरकार रिपीट करना चाहती है। ऐसे में लगातार स्क्रूटनियां हुई, एक एक नाम पर चर्चा की गई, उसके बाद सहमति बनी और अब बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह है कि एआईसीसी को तमाम जो सूचियां हैं वो सौंप दी गई हैं। केसी वेणुगोपाल को ये तमाम सूचियां भेज दी गई हैं प्रदेश कांग्रेस की ओर से, जिसमें जो जिला अध्यक्षों की बात है, रिक्त पड़े हुए तकरीबन 27 जिला अध्यक्षों के नाम है वो सौंपे गए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की सूची सौंपी गई है। बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई वो यह है कि 85 सचिवों की जो सूची थी जिस पर एआईसीसी ने रोक लगाई थी क्योंकि
वो प्रदेश कांग्रेस ने जारी कर दी थी, एआईसीसी की तरफ से जारी नहीं की गई थी। अब जो नई सूची जारी होगी एआईसीसी सचिवों की, उसमें 85 से अधिक नाम हो सकते हैं। अमूमन ये मानकर चला जा रहा है कि करीब 100-125 के करीब सचिव नए कार्यकारिणी क्या इसी सप्ताह संगठनात्मक नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाएगा? लखवीर सवाल दो रहे हैं हेमंत, क्या इसी सप्ताह तमाम संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी? निश्चित रूप से तय ये मानकर चला जा रहा है कि अगले 48 घंटे में ही घोषणा हो सकती है एआईसीसी की तरफ से, क्योंकि फाइनल मुहर लगकर एआईसीसी को। बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां गहलोत कैबिनेट की कल बैठक होनी है। कल शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, जिलों को लेकर के भी बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कई अन्य जो फैसले हैं वो भी हो सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कल शाम को 5 बजे सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। कल शाम को 5 बजे सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक रखी गई है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, कल ये बैठक होगी, शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होनी है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक लेंगे। कल शाम को 5 बजे सीएमआर में बैठक होगी, कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। तो साथ ही साथ जिलों को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला कैबिनेट ले सकती है, अन्य मसलों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। और इसी पर से ही, जहां एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष ने वीसी सचिवालय पर ताला लगा दिया, अभिषेक चौधरी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी सचिवालय पर तालाबंदी की है। आपको बता दें कि अंदर बैठक चल रही है, वीसी सचिवालय में तालाबंदी की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में लगातार आज हंगामा देखने को मिला था। एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, साथ ही एबीवीपी भी लगातार प्रदर्शन करते हुए देखी गई थी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष यहां पर पहुंचे और वीसी सचिवालय के बाहर ताला लगा दिया। अंदर तमाम सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, खुद कुलपति भी अंदर बंद हैं। सिंडिकेट मेंबर और कुलपति अंदर हैं, बाहर एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने वीसी सचिवालय पर ताला लगा दिया। अंदर बैठक में वीसी समेत तमाम सिंडिकेट के मेंबर बंद हो गए हैं, जिनमें 2 विधायक हैं, अमीन कागजी और गोपाल मीणा भी शामिल हैं। वीसी सचिवालय में बंद है, पुलिस की मौजूदगी में मुख्य द्वार पर ताला लगा करके सभी को अंदर बंद कर दिया गया। लगातार छात्रों का आक्रोश यहां पर सुबह से आज देखने को मिल रहा था। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, वीसी सचिवालय पर ताला लगा दिया है एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष ने। एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों आज मुखर नजर आए, छात्रों के मसलों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया था। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि वीसी सचिवालय पर ताला लगा दिया गया है, जिसमें कुलपति के साथ ही जो सिंडिकेट के सदस्य हैं वे भी अंदर बंद हो गए हैं। और इन सिंडिकेट सदस्यों में 2 विधायक भी हैं, तो कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के साथ ही प्रोफेसर एमएल शर्मा, एनके पांडे सिंडिकेट के सदस्य, प्रोफेसर निमाली सिंह, प्रोफेसर एचएस पलसानिया, डॉक्टर संतोष कुमार शील, सब्बीर खान, डॉक्टर मंजू गुप्ता और इसके साथ साथ रामलखन मीना, दिलीप सिंह, अमीन कागजी, गोपाल मीना, ये तमाम जो सिंडिकेट के सदस्य हैं वो अंदर बंद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लवली हमारे सहयोगी फोनलाइन पर आ गए हैं। लवली, क्या अपडेट है? अंदर सिंडिकेट की बैठक चल रही थी, बाहर से एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष ने ताला लगा दिया। देखिए बिल्कुल, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो लाठीचार्ज किया गया है, जो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है, वो उसका विरोध करने यहां पहुंचे थे और वीसी से मुलाकात की मांग कर रहे थे। लेकिन काफी देर बाद जब वाइस चांसलर बाहर नहीं आए बैठक छोड़ करके, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब इस दफ्तर को ही ताला लगा दिया जाए, यहाँ से किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो जंजीर बांध करके ताले जो है वो जड़ दिए गए हैं और पूरी तरीके से जो है अब ये कह सकते हैं कि 2 विधायक, इसके साथ ही जो तमाम सिंडिकेट के मेंबर हैं, वाइस चांसलर, सभी को बंद कर दिया गया है अंदर।
और अंदर की ओर जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो भी अंदर की ओर मौजूद है, और बाहर कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच में जो जाब्ता लगा हुआ है उस बीच में जो लगातार जो जो तमाम जो छात्र हैं वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में वीसी सचिवालय के बाहर जो लॉन है वहां पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और वो तो लवली जो दिन भर पुलिस पर लाठियां बांध रही थी, पुलिस कह रही थी कानून व्यवस्था की बात है, अब वो कहां थी? देखिए बिल्कुल पुलिस यहां पर खड़ी रही, पुलिस समझाइश करती रही, लेकिन इस बीच में अभिषेक चौधरी ने मौका देख करके जो है वो ताला जड़ दिया, और ताला जड़ने के ठीक बाद ही जो है अब हड़कंप मचा हुआ है कि अगर इस ताले को समय रहते नहीं खोला गया तो ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि दो विधायक जो है वो अंदर बंद हो चुके हैं। इसके साथ में जो वाइस चांसलर अभिषेक चौधरी की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक प्रोपेगेंडा मात्र है, क्योंकि अंदर सत्ता पक्ष के विधायक भी बैठे हैं, उसके बावजूद छात्रों की बात नहीं हो रही है। देखिए विरोध करने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे, और उनका यह कहना था कि पुलिस का जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि पुलिस ने क्यों गलत कार्रवाई की है, और वाइस चांसलर जो है वो सुबह से मिल नहीं रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वाइस चांसलर को मिलना चाहिए, लेकिन मुलाकात नहीं होने के बाद परेशान होकर के उन्होंने भी इस पर ताला लगाना ही ठीक समझा। चलिए ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिए लवली, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबरों को देखते हैं फटाफट।